गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं से विषय हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक सीरीज से पाठ नंबर 12 है, लखनवी अंदाज। कल हमने इसको पढ़ लिया था और समझ लिया था, आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए बने भी उत्सुक नहीं है। उत्तर देखिए, लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो वहां पहले से ही एक सज्जन पुरुष पापड़ी लगाए सीट पर बैठे थे। उनके सामने हीरे रखे थे। लेखक को देखते ही उनके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उन्हें लेखक का आना अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लेखक ने उनके एकांत चिंतन में विघ्न डाल दिया था, इसलिए वे परेशान हो गए। परेशानी की स्थिति में कभी खिड़की के बाहर देखते हैं और कभी खीरों को देखने लगे। यानी जब लेखक एकदम से डिब्बे में प्रवेश किया था लेखक ने, तो वहाँ पर पहले से एक आदमी बैठा हुआ था और उस लेखक को देखते ही उस व्यक्ति का जो उसके भाव है वो कैसे हो गए थे, जैसे उसको आना लेखक का आना उसको अच्छा नहीं लगा। और लेखक को देखकर वो एक बार खिड़की को देखता है, खिड़की के बाहर देखता है और दूसरी बार वो खीरों को देखता है, जो उसके सामने खीरे रखे हुए थे। उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति से लेखक को लगा कि नवाब उनसे बातचीत करने में उत्सुक नहीं है। प्रश्न नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंत सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित करता है का अर्थ है कि दर्शाता है। उत्तर, नवाब साहब ने बहुत नजाकत और सलीके से खीरा काटकर उस पर नमक मिर्च लगाया, फिर उन पर उन नमक मिर्च लगी खीरे की फांकों को खाने सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनकी इस हरकत का यह कारण होगा कि वे एक नवाब थे जो दूसरों के सामने खीरे जैसी आम खाद्य वस्तु खाने में शर्म अनुभव करते थे। लेखक को डिब्बे में देखकर नवाब को अपनी रईसी याद आने लगी, इसलिए उन्होंने खीरे को केवल सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब के ऐसा करने से लगता है कि वे दिखावे की जिंदगी जी रहे थे। वे दिखावा पसंद इंसान थे, इसी स्वभाव के कारण उन्होंने लेखक को देखकर खीरा खाना अपना अपमान समझा। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम लेखक के इन विचारों से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं कि बिना विचार घटना या और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक कहानी के पीछे कोई न कोई घटना, विचार अथवा पात्र अवश्य होता है। उदाहरण के लिए लेखक की इस कहानी लखनवी अंदाज को ही ले सकते हैं, जिसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करने के लिए सारा ताना बाना बुना है। इसमें लेखक के इसी विचार की प्रमुखता है। घटना के रूप में रेल यात्रा तथा पात्र के रूप में लखनवी नवाब आ जाते हैं और कहानी बन जाती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी बन सकती है। प्रत्येक कहानी में इन सब का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? हम इस निबंध को अकड़ू नवाब देना चाहते हैं, क्योंकि इस पाठ के नवाब साहब अपना सारा काम अकड़ करते हैं। वे किसी सहयात्री से बातचीत नहीं करते, खीरे को ऐसे काटते हैं जैसे कोई विशेष वस्तु हो। खीरा आम आदमी के खाने की वस्तु है, यह याद आते ही वे उसे खाने के स्थान पर सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। उनकी ये सभी हरकतें इस पाठ को अकड़ू नवाब शीर्षक देने के लिए बिल्कुल सही हैं।
इसके अतिरिक्त लेखक ने इस निबंध का नाम लखनवी अंदाज रखा है, जो लखनऊ के नवाबों की जिंदगी के लिए बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त लेखक ने इस निबंध का नाम लखनवी अंदाज भी रखा है, जो लखनऊ के नवाबों की जिंदगी जीने का अंदाज का वर्णन करता है। लखनवी अंदाज के अतिरिक्त इस निबंध का नाम नवाब की सनक हो सकता है। इस निबंध में लेखक ने एक नवाब की सनक का वर्णन किया है। नवाब एकांत में तो आम कार्य कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के सामने आम कार्य करते समय उन्हें शर्म महसूस होती है। इसके लिए भी आम कार्य को भी खास बनाने का बेतुका प्रयत्न करते हैं। इस निबंध के अनुसार नवाब खीरे को बड़ी नज़ाकत और सलीके से खाने के लिए तैयार करता है, लेकिन नवाब उन खीरों को लेखक के सामने नहीं खाना चाहता, इसलिए केवल सूंघ कर ही खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देता है। यह कार्य केवल सनकी लोग ही कर सकते हैं। ये यहाँ पर रचनात्मक और अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर भी दिए हैं, आपको इनको भी करना है।